गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 12 तारीख दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आजादपुर टमाटर मंडी में। आप लाइव तस्वीर में देख सकते हो किस तरह का ग्राहक है, और गाड़ी जो दोस्तों अभी बहुत कम दिख रहा होगा आपको। अभी कई गाड़ी जो है जाम में फंसा हुआ है, लेट है। बाहर जो है रोडों पर जो है जाम काफ़ी ज़्यादा है जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। राधे राधे। आज का रिपोर्ट बताओ जी। आज टमाटर कम है, बढ़िया टमाटर 1000 रुपए बिक रहा है, और जो ठीक ठाक टमाटर है वो 700 से 800। अच्छा सर, पहले अराइवल का बता दो, आज अराइवल कितना है? 12 गाड़ी आई है अभी तक मंडी में, जाम है अभी। 10-12 गाड़ी अभी पीछे हैं। अच्छा जी। वो आएंगी। बाजार बढ़िया माल का 1000 रुपए है। और जो ये माल है जी, ये सोलापुर का माल है, इसकी पोजीशन 700 से लेके 800 रुपए है। 700 से लेकर 800। और जैसे कि सर जी, महाराष्ट्र से जो है हाइब्रिड टमाटर और भी एरिया से आता है जी, नासिक हो गया, अपना नारायणगांव, पीपलगांव, इन सब का क्या पोजीशन? 1000 रुपए की पोजीशन है बढ़िया माल की। अच्छा जी, जो मतलब इसमें टॉप क्लास लाल माल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अभी जैसा कि लगातार दिल्ली में भी बारिश हो रहा है, पीछे भी राज्य में बारिश देखने को मिल रहा है जी, तो सर टमाटर का किस तरह का क्वालिटी आ रहा है, और पीछे तो है कितना डैमेज हो चुका सर जी? 8-8 तो माल की फसल खराब हो चुकी है। शिवपुरी में भी खराब हो गया है, नारायणगांव भी खराब हो गया है, और सोलापुर भी खराब हो गया है। 8-8 फसल खराब हो गई है, आने वाले टाइम में टमाटर तेज हो जाएगा। अच्छा जी। और सर ये जानना चाहूंगा, अभी और भी कई राज्य से आ रहे, जैसे बेंगलोर हो गया और कोटपुतली, राजस्थान का भी कुछ एक गाड़ी आता है यहाँ पे। अभी कोटपुतली को 15-20 दिन की देरी है। 15-20 दिन के बाद आवक आएगी, तब जाके बंदा होगा। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, तो यहाँ पे अभी मतलब एक आधी लोट आ रहा है सर जी? हाँ, अभी तो कम आ रहा है। अच्छा, तो क्या रेट खुला सर जी, जो भी आ रहा है गाड़ी यहाँ पे? कोटपुतली जो आ रहा है वो 600 से लेके 800 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी, 600 बढ़िया क्वालिटी में? हाँ, वो ठीक है। अच्छा जी। और सर जी, बेंगलोर का कितना गाड़ी आया जी आज? बेंगलोर की 3 गाड़ी है अभी, अभी एक दो गाड़ी और होंगी पीछे। अच्छा जी, क्या रेट खुला सर जी आज? बेंगलोर 1000 रुपए। 1000 रुपए। अच्छा जी, बढ़िया माल एकदम रेड वाला। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो सर जी बरसात से जो है कुछ रेटों में फर्क देखने को मिला ग्राहकी में? तू निकल आते रहे। ग्राहकी तो है, अच्छे माल की है, हल्के माल की ग्राहकी नहीं है। अच्छा जी, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो है सर डिमांड किस माल का है जी, किस तरह का क्वालिटी चाहते हैं? ज्यादा देसी वाला माल मांगते हैं, हाइब्रिड कम मांगते हैं। अच्छा, देसी शिमला से भी आ रहा है। अच्छा, शिमला की फसल अच्छी है। अच्छा जी। हाँ, तो शिमला का जो आज है जी, क्या रेट खुला और किस किस एरिया से आ रहा है जी? यो है सिलाई से है, इलाका है सिलाई। अच्छा, वहाँ से माल आ रहा है, वो 800 से लेके 1000 रुपए बिक रहा है। 800 से लेकर 1000 रुपए। सर जी, आजादपुर मंडी में जो है ये कार्टून वाला भी आता है जी, जो लकड़ की पेटी में टमाटर आते हैं शिमला से? वो बहुत कम है, वो 1% भी नहीं है, ऐसे 150-200 पेटी आती है सारी। अच्छा जी, 150-200 पेटी। हाँ, मतलब सभी किसानों का मिला करके जो है? हाँ, किसी की 2 होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 1 होती है। अच्छा, वो 450 से लेके 550 रुपए पेटी बिक रही है, 15 किलो वाली। और सर जी, ये जानना चाहूंगा जी, जैसे कि औरंगाबाद से भी टमाटर आ रहे जी मंडी के अंदर, तो औरंगाबाद से दो बीज आता है जी 440 और एक साहू, तो उनका क्या पोजीशन चल रहा है जी? औरंगाबाद जो हल्के माल है 400 से लेके 600 रुपए, और जो साहू बीज है वो 700-800 रुपए बिक रहा है। सर जी, थोड़ा शिवपुरी के बारे में जो है विस्तार में बताओ जी, कितना माल डैमेज हो चुका है वहाँ पे बरसात से? शिवपुरी में जो जमीन वाला माल है वो तो लगभग खत्म ही हो गया। अच्छा जी। जो तार बांस का माल है वो माल आ रहा है, उसकी पूछना 800 से लेके 1000 रुपए तक है। सर, हमारे एक दर्शक जो है वो पूछ रहे थे जी कोटपुतली का, थोड़ा कोटपुतली का भी बताओ जी, जो बरसात से जो है पीछे कोटपुतली में कितना डैमेज है और किस तरह का अभी क्वालिटी बन रहा है जी वहाँ? कोटपुतली 15-20 दिन की देरी है, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई है, वो माल ठीक है। अच्छा जी। हाँ, 15-20 दिन के बाद फसल आएगी वो। अच्छा जी, वहाँ पे मतलब अभी बरसात से ज्यादा डैमेज नहीं? नहीं, वो वहाँ डैमेज नहीं हुआ, अभी जो भी माल आ रहा है करारे माल आ रहे हैं। हाँ हाँ, लाल कम आ रहा है जी, इसलिए मतलब रेट भी निकला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और भी सर कहीं पीछे बरसात हो रहा है जी, और कौन कौन सा नया एरिया चलेगा जी इसके अलावा? अब रतलाम का चलेगा, इंदौर चलेगा, एमपी का, लेकिन वहाँ पे भी बारिश है, अभी 15 दिन के बाद ही सब माल निकलेंगे। तो सर रतलाम और इंदौर जो है इस मंडी में आ रहा है फिलहाल? कम आ रहा है। तो जो आ रहा है हल्का आ रहा है। अच्छा, तो क्या रेट खुला सर जी उनका? वो बिक रहा है 400 से लेके 600 रुपए तक। 400 से लेकर 600 रुपए रतलाम और इंदौर? इंदौर दोनों का ही इसी तरह का पोजीशन। हाँ जी, हाँ। और सर जी, और कौन कौन सा नया चलेगा जी? बाप कोटपुतली चलेगा। हाँ, सिलाई चल ही रहा है। हाँ जी, हिमाचल का। अच्छा, हाँ, कोटपुतली चलेगा। अब ये जानना चाहूंगा, अभी जिस तरह से बरसात हो रहा है और जिस तरह से किसानों के माल डैमेज हो रहे हैं, फट रहे हैं कई इलाके, जो माल चटक रहे हैं जी, तो
ये जो तारवास वाले माल होते हैं जी और जमीनी माल होते हैं सर जी, तो इनमें क्या फर्क होता है? ये जो ज्यादातर जो जमीनी माल होते हैं उनमें ज्यादा चटक देखने को मिलता है, या जो तारवास वाले माल आ रहे हैं उसमें ज्यादा? जमीन वाले माल में ज्यादा चटक होता है, तारवास में इतना फर्क नहीं पड़ता बारिश का। अच्छा, तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहिए सर, उसमें लागत का भी फर्क होता है जी? लागत का फर्क होता है। अच्छा अच्छा, तो हमारे जो किसान भाई है अगर तार बांस वाले यदि अगर सभी खेती करें तो फिर टमाटर का भाव जो है और क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, हाँ जी। और सर जी आने वाले महीने में, इस महीने में जो है अक्टूबर का महीना और जो आने वाला महीना रहेगा, तो क्या भाव देखने को मिल सकता है किसान भाई साहब? ये मौसम के ऊपर है, अभी बारिशें हो रही है, अभी कोई अंदाजा नहीं है। अभी जो स्टेप 4-5 दिन का जो लग रहा है वो थोड़ा तेज लग रहा है। मतलब ये जो है 4-5 दिन का तेजी है, और एवरेज क्या इस महीने में चल सकता है सर, कहाँ तक रेट जाएगा जी एवरेज? भाई साहब बारिश के ऊपर है, माल के ऊपर है, यहाँ पे तो माल कम आएगा तेज हो जाता है, माल ज्यादा है तो कम रेट कम हो जाता है। अच्छा जी, चलो सर जी एक बार जो अपना आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। JRD 424-98-110-82-175। ओके, धन्यवाद सर जी, राधे राधे। दोस्तों सर का जो है D-424 है जी, जगदीश कुमार राजेश कुमार के नाम से आ रहे थे। किसी भी किसान भाई को टमाटर बेचना हो या किसी भाई को टमाटर खरीदना हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जी आप। दोस्तों लाइव बोली स्टार्ट होने वाला है सर के पास, देखते हैं क्या रेट खुलेगा जी। दोस्तों 600 तक पहुंच गया जी, 70 तक पहुंच गया, 670, 700 पहुंच गया जी ये बोली। देखो जी टमाटर का क्वालिटी 800 तक पहुंच गया बोली इसका जी, देखते हैं कहां पे जाता है जी बोली। 850 पहुंच गया जी। दोस्तों ये वाला जो लाट है आप देख रहे हो ये 850 रुपए का बिका जी, बाकी जानते हैं सर से कहां का क्वालिटी है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब, राम राम भाई। राम राम जी, ये क्वालिटी जो है सर जी कहां का है? ये औरंगाबाद का भाई साहब। अच्छा जी, पाटाल सर जी, तो क्या रेट का जी आज, मतलब कहां तक गया जी? ये आपके सामने भी बिका 850 रुपए का, ये टमाटर अपने पास बिक रहा 700 रुपए से 850 रुपए तक। अच्छा जी, औरंगाबाद साहू बीज है जी ये देख लो, अभी आपके सामने साहू बीज है सारे। अच्छा, ठीक है भाई साहब, राम राम जी, राम राम। दोस्तों यदि आप सभी भाइयों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अगर कोई जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जी, कुछ भी अगर पूछना हो तो सारा जानकारी मिलेगा जी, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं सारा चीज़ पूछने का कोशिश करूंगा जी आपको। अगर कुछ भी अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो जी, और बाकी आप जिस भी मंडी से टमाटर खरीद रहे हो वहाँ का एक बार भाव ज़रूर बताना, क्या भाव खरीद रहे हो और कितना केजी का खरीद रहे हो जी, और अगर कहीं का टमाटर का भी जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जानकारी दे सकते हो हमें। बाकी अगर वैसे पर्सनल सवाल पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हो, दिल्ली फ्रेश मार्केट के नाम से ही है जी। और आज जो है दोस्तों काफ़ी जाम है जी पीछे आजादपुर मंडी में, तो अभी जो है कई गाड़ी जो है पीछे ही है जी, 10-12 के गाड़ी के करीब जो है अभी पीछे ही है, जो अभी मंडी के अंदर अभी तक आए नहीं है। बाकी अभी जो है ताज़ी फ्रेश गाड़ी जो है 12-15 आ चुका है। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।